विलय को भेज करना हो तो लोको पायलट के पास आवश्यक सामान होने चाहिए, जिसमें प्लायर होना चाहिए जो विलय की सील को खोलने के काम आता है, पेचकस होना चाहिए जो विलय के कवर पर लगे हुए स्क्रू को खोलने के लिए आवश्यकता होती है, साथ ही उचित प्रकार के लकड़ी के वुडन वेस होने चाहिए जो कि लगाने के बाद प्लंजर अच्छे से टाइट हो जाए और सभी टिप्स सही तरीके से लग जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं यह इंग्लिश इलेक्ट्रिक टाइप की विले है। इस समय यह विले डी एनर्जाइज अवस्था में है। जब कभी इसको डी एनर्जाइज अवस्था में वेज करना हो तो इसके पीछे यहाँ पर यह इस प्रकार से वुडन वेज फंसा दिया जाता है। अब आप देखेंगे कि यह पूरी तरीके से वेज हो चुका है, यह डी एनर्जाइज अवस्था में वेज है। जब इसे एनर्जाइज अवस्था में वेज करना हो तो उसके लिए इसके इस प्लंजर को इस प्रकार से दबाएंगे और देखेंगे कि जो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक हैं वो अच्छे से लग गए हैं और जो नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक हैं वो खुल गए हैं और इस लकड़ी के वेज को आगे की तरफ से इस तरीके से फंसा देंगे जिससे यह रिले एनर्जाइज अवस्था में वेज हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि यह एक PC8X टाइप की रिले है। एनर्जाइज कंडीशन में वेज करना हो तो इस तरीके के प्रॉपर वुडन वेज को ऊपर से लगा दिया जाता है और प्लंजर को दबा के देखते हैं कि यह ढीला तो नहीं है। जब कभी इसे डी एनर्जाइज कंडीशन में वेज करना हो तो उस समय भी इसको ऊपर से प्लंजर के पीछे साइड से लगा दिया जाता है और उसको प्लंजर को दबा करके देखते हैं कि प्लंजर दब तो नहीं रहा है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि PC8 टाइप की रिले प्रॉपर तरीके से वेज हो जाती है। अब हम वोमा टाइप की रिले के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं यह रिले इस समय एनर्जाइज अवस्था में है। आर्मेचर और प्लंजर के बीच हम देख रहे हैं कि कोई भी गैप नहीं है। इस तरह से हम एनर्जाइज अवस्था को सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह वोमा रिले डी एनर्जाइज अवस्था में है। साथ ही प्लंजर और आर्मेचर के बीच में गैप है। देखिए यह वोमा टाइप की रिले इस समय डी एनर्जाइज अवस्था में है। जब इसे वेज करना हो तो इस तरीके से इसके आर्मेचर को दबा करके हम सुनिश्चित करते हैं कि आर्मेचर और प्लंजर के बीच में कोई भी गैप नहीं बचा है और इस प्रकार से उचित प्रकार के वुडन वेज को ऊपर से फंसाने का काम कर दिया जाता है और रिले एनर्जाइज अवस्था में वेज हो गई है। जब कभी इस वोमा टाइप रिले को डी एनर्जाइज अवस्था में वेज करना हो तो उस समय हम ये देखते हैं कि आर्मेचर और प्लंजर के बीच में गैप है और रिले के लेफ्ट साइड में ऊपर से उचित प्रकार का वुडन वेज फंसाने का काम करते हैं और इस प्रकार से वोमा टाइप की रिले डी एनर्जाइज अवस्था में वेज हो जाती है। कॉमेट टाइप रिले है। इस रिले को सिर्फ एनर्जाइज स्थिति में ही वेज किया जा सकता है। रिले एनर्जाइज है या डी एनर्जाइज है यह जानने के लिए रिले के लेफ्ट साइड टॉप में एक विंडो है। यदि इस विंडो में
करने के लिए व्यवस्था रिले पर ही लगी है। रिले को वेज करने के लिए वेजिंग प्रणाली पर लगी ग्रे कलर की स्लाइडर नॉब को राइट साइड की ओर स्लाइड करें। इसके बाद सफ़ेद नॉब को ऊपर की ओर उठाते हुए 90 डिग्री तक वर्टिकल करें, तत्पश्चात स्लाइडर नॉब को छोड़ दें। यह स्प्रिंग एक्शन से सफ़ेद नॉब को वर्टिकली में लॉक कर देगी। रिले वेज होना सुनिश्चित करने के लिए लेफ्ट साइड टॉप में स्थित विंडो में पीले निशान का आना देखें। इस विधि से कॉमेट टाइप रिले को वेज किया जा सकता है।